CPP two किया? CPP two किवा? हाँ. CPP वाला ना? और के इसी तो पढ़ा करने दे. CPP वाला. CPP वाला है? CPP कौन सा नंबर की बिल्डिंग है? Third. और AP का हो गया? तो कल एक साथ कर लेते हैं, कल एक साथ कर लेते हैं. कितने बच्चे और भी आने हैं ना?
How many bedrooms are there, no? How many kids? Now for 21 days, you will sit like this only for your maths and physics period. See your next exam. Understood? But for chemistry, you will see me for the class because chemistry is going on separately. So at that time, how you are sitting now in the morning, like that you will see. Got it, everyone? Teachers need students to teach more and you are also tired, no, sitting there? Yes or no? Yes. तो दोबारा लिखते हैं क्वेश्चन। Find the four successive terms of a GP of which second term is smaller than the first. Second term is smaller than the first by 35. And third term is larger than the fourth by 560. By 560. दो इनफॉरमेशन है, दो वेरिएबल्स A and R. बहुत इजी है। जिसका सबसे पहले आया वो हाथ ऊपर कर लो, ठीक है? आ गया। क्या? स्टेटमेंट? आंसर मैच करना है। प्लस माइनस 4 इस करें। माइनस 4? को? माइनस 4 को दें। नहीं, दो दो वैल्यूज आई आर की, प्लस 4 एंड माइनस 4। करस्पॉन्डिंगली यू विल हैव टू सीरीज। फर्स्ट टर्म इस फर्स्ट टर्म माइनस स्मॉलर, सेकंड टर्म इस A 35। एक इक्वेशन लिया है। फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, AR A माइनस AR।
फर्स्ट टर्म बड़ी है बाय सेकंड टर्म कितने अमाउंट से 35 तो फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म दिस इज 35 मान ले मैंने सीरीज ए ए आर ए आर स्क्वायर ए आर तो ए माइनस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 35 एंड द सेकंड इंफॉर्मेशन इज द फर्स्ट एंड द थर्ड टर्म इज लार्जर थर्ड टर्म बड़ी है तो ये बड़ी है इससे ए आर स्क्वायर माइनस ए आर क्यूब कितने अमाउंट से 560 डिवाइड करो बस आर में एक क्वेश्चन आई सिंपल इक्वेशन वन माइनस आर भी कैंसिल हो जाएगा जस्ट डिवाइड दीज टू इक्वेशंस यू विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 16 फ्रॉम हियर यू विल गेट आर इक्वल टू प्लस माइनस 4 एक बार आर को 4 लूंगा उसके तरफ कौन से ए निकाल लूंगा एक बार माइनस 4 लेके फिर फाइंड ए तो देयर बी टू सच सीरीज आर इज इक्वल टू माइनस 4 के करस्पॉन्डिंग ए का वैल्यू आएगा 7 एंड आर इज इक्वल टू प्लस 4 के करस्पॉन्डिंग ए का वैल्यू आएगा कितना आया बता माइनस माइनस 35 है देखो सबका नहीं आया तो बताओ मुझे कौन देखा आगे बढ़े किसी को कोई डाउट है तो बताओ सिंपली यू हैव टू जस्ट AR. It's not AR, so it's AR. First term minus second term. When you divide these two, in LHS you will get R square and 560 divided by 35. You will get 16. क्या हुआ अभिषेक? करो कर रहे हो जल्दी करो fast. If ABC are in GP, if ABC are in GP and if ABC are in GP and X, Y are respectively the X, Y respectively the arithmetic mean between A, B and B, C. Respectively word use किया मतलब जो X है वो A और B के बीच में है और जो Y है वो B और C के बीच में है. दोबारा बोल रहा हूँ statement. If A, B, C are in GP and X, Y are respectively the arithmetic means between A, B and B, C, then prove that 1 upon X plus 1 upon Y equals to 2 upon B. First part and the second A upon X plus C upon Y equals to 2. Prove these two parts. X and Y are the arithmetic means between A, B and B, C. Or A, B, C, G, P. Any information use this. For the fast color. A, B, C are in GP. X and Y are arithmetic means. Procedure is just you have to plug the values. Just reduce the terms in GP as A, A, R, A, R square.
दोनों होगा ना, फर्स्ट पार्ट डन, सेकंड क्वेश्चन सर, उसी सेकंड तुमने क्या यूज किया ए आर स्क्वायर और ए आर क्यूब, ए आर काम है बोलो ये भी तो बैठना नहीं होने के बाद नोट्स पीछे से रिवाइज कर जैसा जैसा आपने बोला वैसे वैसे प्लग कर दो वैल्यू 8 लेट का आंसर तो स्टार्ट कर दो क्या बोला कि ए बी सी की जगह मैं ऐसे लिख रहा हूँ ए बी और सी ए को तो ए ले लिया बी को ए आर और सी को ए आर स्क्वायर ऐसा लिखने पे फिर मुझे वो इक्वेशन यूज नहीं करना पड़ेगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी वो इंफॉर्मेशन जो है वो ये डाटा में ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है अब जब वैल्यू प्लग करना है तो क्या बोला एक्स इज ऑटोमेटिक लिंक बिटवीन ए एंड बी अब ए और बी के बीच सिंगल एयर क्या होता है ए प्लस बी बाई टू तो एक्स इज सिंपली ए प्लस बी बाई टू तो बी इज ए आर सिमिलरली इन दो बी और सी के बीच में वाई तो वाई इज इक्वल टू बी प्लस सी बाई टू ए आर प्लस ए आर स्क्वायर बाई टू नेक्स्ट यू हैव टू जस्ट प्लग द वैल्यूज नाउ लेट्स से हम इसके एलएचएस से स्टार्ट करते हैं तो 1 by x इसको मैंने ऐसे लिख लिया मैंने तो a into 1 plus r divided by 2 और इसको लिख लिया ar into 1 plus r divided by 2 उधर रखो 1 by x क्या हो जाएगा 2 upon a into 1 plus r plus 1 upon y 2 upon ar into 1 plus r तो जस्ट एक ऐसे ले लो पहले मैंने जी कॉमन ले लिया टू अपॉन ए इंटू वन प्लस आर कॉमन ले लिया इधर क्या बना बचा ये पूरा कॉमन ले लिया इसमें क्या बचा वन ना इधर और इधर वन बचेगा इधर भी वन बाय आर अब दोबारा एलसीएम लोगे ऊपर क्या बनेगा तो वन प्लस आर डिवाइड बाय तो ये वन प्लस आर कैंसिल तो दिस कम आउट टू बी टू अपॉन ए आर क्या है मेरा सिंपल प्रोसीजर अब आगे आओ तो आप सेकंड वाला ट्राई करो तुम्हारा कोई भी डाउट आए तो फील फ्री टू आस्क इसका हो गया है वो डीपीपी 2 निकाल के क्वेश्चन नंबर 26 कॉपी इन द नोट्स डीपीपी नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 26 कॉपी इन द नोट्स और किसी का पहले कर लिया हो जिसका आ गया हो वो हाथ ऊपर करें
क्वेश्चन नंबर 26 कल बोला था तुम्हें पार्टी हुआ कोई बात नहीं क्वेश्चन नंबर 26 डिग्री टू किस किस का कंप्लीट हुआ मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आना ट्राई किया जिसने डिग्री टू हुआ हो गया डिग्री टू खुशी हो रहा नहीं हुआ तो सिंगल करेक्ट में 26 भी है हुआ मतलब टाइम दे चुके हो 25 तो बता दिया था मैंने आई थिंक करो 26 जस्ट फोकस इन टू द टर्म और वो चीज दिमाग में रखना मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस डी होता है कॉमन कांस्टेंट होता है व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर 26 और उससे पहले ये प्रूफ कंप्लीट करना नहीं आया तो आई विल सॉल्व इट किस किस का आ गया सेकंड पार्ट काफी लोगों का बहुत लोगों का बचा है करो करो सेकंड पार्ट बस वैल्यू प्लग करो a / x 2x लिखा था हमने x और y ऑलरेडी मैं लिखा हुआ है ये उठा के इसमें डालना है बस क्वेश्चन नंबर 26
स्क्वायर वाली चीज देखिए सोचो, मतलब आपको हिंट ही हो जाएगी अगर मैंने बता दिया थोड़ा बहुत, आपको उससे आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? ये सीधा ऑप्शन डाल दो, जिस जिस फॉर्मेट में ऑप्शन दिया है उस फॉर्मेट में तुम्हें लेके आना है। आई थिंक दैट इज इजियर। क्वेश्चन नंबर 20 इज अलिकार प्रति थोड़ा सा ठीक है ना डाउट ध्यान से एवरीवन लुकिंग टू द बोर्ड फोकस करें तो a + b = a - मतलब हमारा डिफरेंस भी अवेलेबल है और
एडिशन भी अवेलेबल है। एडिशन का बेनिफिट होता है भाई जब फर्स्ट और लास्ट तक सिमेट्रिक टर्म्स का एडिशन हो, क्योंकि वो चीज कांस्टेंट होती है, एम के बराबर होती है। और डिफरेंस कब काम आता है, जब कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस हो, तो कोई भी एक चीज चलेगी। तो इधर हमारे पास कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस अवेलेबल है। मैंने क्या बोला दोबारा एक, जैसे मान लो एक बंदा ऐसे भी कर सकता है, सोच सकता है कि एक He can club these two. उससे भी आंसर आएगा, मतलब दोनों में हमें एक एक चीज का बेनिफिट मिल रहा है। इफ यू विल क्लब फर्स्ट एंड द लास्ट वन, तो a1 माइनस a2n नहीं, a1 प्लस a2n कांस्टेंट होगा, क्योंकि जैसे तुमने इधर लिखा a1 प्लस a2n, तो दैट इज ऑटोमेटिक मीन। फिर इसके अगला टर्म आएगा a2 स्क्वायर इधर a2n माइनस 1 स्क्वायर, तो अगेन एडिशन वाला फायदेमंद होगा। तो हमें ये चीज देखनी है कि एडिशन वाला कांस्टेंट आ रहा है, डिफरेंस वाला कांस्टेंट आ रहा है। थोड़ा लाइन ऑफ थिंकिंग समझ में आया, करो कंप्लीट। अब सिमिलरली सेकंड और थर्ड टर्म, तो इधर मैं कौन सा फैक्ट यूज कर रहा हूं, कॉन्सिक्यूटिव डिफरेंस टर्म्स का डिफरेंस इज कांस्टेंट, a2n minus 1 minus a2n and lastly a2n minus 1 plus a2n. अब a1 minus a2, don't write d, it is minus d. मैंने तुम्हें लिखवाया था a2 जब भी हम कॉमा डिफरेंस बोलते थे आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला, तो a1 minus a2 is minus d, similarly a3 minus a4 is again minus d. हाँ, minus d is there in every part, so you can take comma. When you take minus d comma, अंदर क्या बनेगा, a1 plus a2 plus a3 up to a2n, sum of all the terms. अब इसको क्या करें, आप देखो ऑप्शन जो है उसमें उसने मेंशन कर रखा है a1 square a2n type, तो अब मैं कौन सा फैक्टर यूज करूंगा, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाय 2 into n, sum of all a2 is n by 2 into first term plus last term, but here n is 2n, 2n by 2 into first term is a1 plus last term is a2n. But अभी यहाँ तक छोड़ा तो भी करेक्ट है, लेकिन अभी हमने यहाँ तक छोड़ना इसलिए नहीं है, the reason is अभी हमारे जो अभी जिस फॉर्मेट में आंसर भी लिखा है इसने, उसमें d इसने इंट्रोड्यूस किया, d एक्चुअली दिया तो नहीं है ना क्वेश्चन में, तो ऐसा तो नहीं हम अपने से d ला दे उधर बोलते आंसर इज दिस, कुछ तो होना चाहिए d इन टर्म्स ऑफ नोन क्वान्टिटीज, उसको हटाना पड़ेगा। तो डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं ए टू एन और ए वन को रिलेट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ डी, जनरल टर्म टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, में एन की जगह मैं टू एन रख रहा हूँ, तो टी टू एन इज ए टू एन, तो ए टू एन इज ए वन प्लस एन माइनस वन इन टू डी, फ्रॉम हियर आई विल गेट डी इन टर्म्स ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, दैट आई विल सब्स्टिट्यूट हिट हियर, आई विल गेट द फाइनल। अच्छा क्वेश्चन है, एपी का फुल ऑन क्वेश्चन है, मतलब बोल सकते कंप्लीट पैकेज है, मीन्स में अगर आता है तो इट विल बी ट्रीटेड एज अ अबव एवरेज क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन है। कॉपी जो भी बताता हूँ लाइन ऑफ थिंकिंग थॉट प्रोसेस, इसको अपने वर्ड से ही मेंशन कर लिया कि हमने स्टाफ, क्योंकि रिवीजन के टाइम ये सब चीज थोड़ी आएगी तुम्हारे पास, ठीक है। इसका 29 जिसका हो जाए कॉपी करके एक एक स्टेप समझ के, नहीं आता है तो पास बोला आई कम देयर आई एक्सप्लेनिंग, पर छोटा नहीं है कि सर क्या सोचेंगे, मुझे कुछ भी नहीं आता ये वो कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं सोचेगा, और अभी एट प्रेजेंट आई दो चार बच्चों को छोड़ दो तो बाकी सबका सेम है, कोई अंतर नहीं जाता, ये दोनों हेजिटेट कि वो बाजू वाला क्या सोचेगा, मेरे को इतना भी नहीं आता, नहीं आता कोई बात नहीं। तो अभी अभी क्योंकि अभी हमारा धीरे धीरे लेवल बढ़ने वाला है, अभी जैसे ही एचपी खत्म होगा मेन तो वहीं से स्टार्ट होगा हमारा जेई वाला जी सीक्वेंस सीरीज, ये तो अभी बोर्ड से थोड़ा ऊपर का है, अभी हम बहुत ऊपर जा रहे हैं। How many interviews?
सीक्वेंसिंग नॉट लाइक अ कॉम्प्लेक्स नंबर.
हुआ किसी का जल्दी बताओ। जो भी तुम्हारा आंसर आया उसमें सम ऑफ डिजिट्स, मतलब मान लो जैसे 1025 आया तो आंसर इज 1, सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इन दैट नंबर। सो इंस्टेड ऑफ टेलिंग मी दैट यू जस्ट टेल मी द नंबर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? करो फास्ट। क्वेश्चन लेंगे नंबर 1
बिटवीन ये जो टर्म्स है ना सर इस सबको बिल्कुल ये जो टर्म्स है इसमें फर्स्ट ग्रुप में वन सेकंड ग्रुप में ये जो लास्ट डिजिट से था 149 ये उन्हीं ग्रुप्स के मतलब ये फर्स्ट ग्रुप है ये सेकंड ग्रुप है तो ये सेकंड ग्रुप का स्क्वायर है ये थर्ड ग्रुप का स्क्वायर है और इसी 12th ग्रुप का स्क्वायर जो होगा उसका लास्ट डिजिट होगा 144 इसका फर्स्ट टर्म कौन सा होगा जो 11th ग्रुप का लास्ट टर्म है उसका अगला टर्म तो ये 121 होगा तो ये 142 तो ये जो सीरीज है इसका सम आता है बाद में सिंपलीफाई करने पे बहुत क्या आएगा बहुत सही 23 बाय ये इतना अच्छा मैंने भी नहीं सोचा था थोड़ी सी थिंकिंग इतना अच्छा मैंने भी नहीं सोचा था जो इसने बताया 22 प्लस इवन आई लर्न समथिंग टुडे वेरी गुड 23 टाइम्स नाउ इट इज सम ऑफ एपी because in that directly the numbers are in AP with a common difference of 1. समझ में आया बहुत अच्छा प्रोविजन है किसी के तोते तो नहीं उड़े ना मतलब ऊपर से तो नहीं निकला है अगर निकला है तो बता दो शर्म वाली कोई बात नहीं आई विल एक्सप्लेन अगर किसी पॉइंट पे डाउट है 120 हाँ कैसे उसने बोला कि हर एक ब्रैकेट है ना उसका जो लास्ट नंबर है दैट इज स्क्वायर ऑफ दैट ब्रैकेट मतलब इस ब्रैकेट नंबर फर्स्ट ब्रैकेट का नंबर क्या है 1 तो 1 का स्क्वायर इज 1 सेकंड ब्रैकेट है तो 2 का स्क्वायर इज 4 तो दैट इज लास्ट डिजिट ऑफ दैट ब्रैकेट थर्ड ब्रैकेट है 3 का स्क्वायर इज 9 तो 9 इज द लास्ट डिजिट ऑफ दैट ब्रैकेट तो ये 11th ग्रुप होगा उसका आखिरी नंबर क्या होगा 11 का स्क्वायर 121 तो उसका अगला नंबर इसका पहला नंबर होगा इस ग्रुप का बैठना नहीं इसके बाद 30 ये तीनों क्वेश्चन नंबर 30 एक और मैथड डिस्कस करते हैं हाँ बोलो कुछ बोल रहे अच्छा मैं हटू जाऊँ बताओ नहीं तुम बताओगे कुछ मैथड बता रहे हो डाउट हाँ कुछ बोल मुझे डाउट पहले क्लियर करें पूरा तेज बोलना देखें नंबर ऑफ टर्म्स हाँ ये कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है ना 122 से 144 नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे सही होंगे ना याद है अपन ने इधर एक जगह सीखा था लॉग पढ़ाया था जब मैंने उस वक्त तुम्हें पढ़ाया था जिसमें मैंने बोला 5 और 9 के बीच में कितने नंबर्स हैं इंक्लूडिंग 5 एंड 9 या फिर एक्सक्लूडिंग 5 एंड 9 याद है कुछ सोचो मैनुअल ऐसे मान लो मैंने तुम्हें बोला 3 से लेकर 7 तक मुझे एक तो मैनुअल काउंट कर लिया मैंने इसके बीच में तो 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा इसके बीच में 3 इंक्लूडिंग दीज टू 5 तो आंसर क्या जाएगा 7 माइनस 3 4 बट मुझे 5 चाहिए तो क्या करूँ प्लसन कर दूँ फॉर्मूला जनरेट हो गया ए और बी के बीच में नंबर कितने होंगे इंक्लूडिंग ए एंड बी बी माइनस ए प्लस 1 याद है 7 माइनस 3 4 प्लस 1 इसी तरीके से 144 बिकॉज दे वाला कॉन्सिक्यूटिव ना तो 144 माइनस 122 22 प्लस 1 मतलब अपन इसको हालांकि कुछ नया नहीं है मतलब लॉग ही रहता है सकता है इसको मैंने बोला नंबर ऑफ टर्म्स निकालना मुझे 12 ब्रैकेट ग्रुप में कितने होंगे ये तो दिख रहा है 23 निकाल चुके 20 क्यों बोले कैसे और तो वो नंबर सारे नहीं भी ना मैंने बोला इसमें 1 है इसमें 3 इसमें 5 तो ये 1 3 5 दिस आर इन एपी तो इस सीरीज का 12th नंबर a plus 12 minus 1 11 into d
what? Number of terms in 12th group. अभी और कुछ नहीं निकला, number of, तो ऐसे नहीं निकाल सकते. All right, number of, मतलब numbers in each group is in AP. पहले ग्रुप में 1, दूसरे ग्रुप में 3, फिर 5, like that. तो number of terms नहीं, इसकी वजह से और कैसे मैं proceed कर सकता हूँ? मान लो मेरा ऑब्जर्वेशन क्लिक नहीं किया उसने, अच्छा देन हाउ टू प्रोसीड, थोड़ा और प्रोसीजर नहीं मतलब ग्रुप, मेरे को ये पता चल गया नंबर ऑफ टर्म्स इन 12th ग्रुप. अच्छा अब सुनना, अब क्या करें? एस 11 एस 11 मतलब सम ऑफ टर्म्स इन. अच्छा तो मतलब एक एक तरीके से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये वाले जो ब्रैकेट का सम है, देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स तो दिख रहे हैं कितने हैं, कितने टर्म्स होते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे बताऊं मैं बता दे, ये अपने आप क्वेश्चन है. मतलब मैं ऐसा, मैं एक्चुअली आंसर ऐसे बोल रहा हूँ कि sum of 12 brackets minus sum of 11 brackets is equal to sum of numbers in the 12th bracket. मतलब 12वें bracket में का जो numbers उनका sum किसके बराबर होगा? Total number का sum minus 11 brackets तक का sum. तो S12 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए पड़ेगा? S12 मतलब first से लेके आखिर तक क्या चाहिए पड़ेगा? Number of, हाँ number of terms. तो वो कैसे आएगी? और मुझे पता है हर एक bracket में इसमें 1 है, इसमें 3 है, तो these are maybe उसका सम नहीं निकाल सकते हैं 140 और आई थिंक उसको लिखा भी होगा क्योंकि फल से स्टार्ट हुआ कंसेक्यूटिव है, ठीक है ना? सुनने समझ में आया क्या? वो तो अभी लिखा है इधर, मैंने एक मिनट लिए हटा दिया. देखो सेकंड मेथड एक बार और स्टार्ट करता हूँ. पहले ब्रैकेट में नंबर ऑफ नंबर्स आर 1, सेकंड ब्रैकेट में 3, फिर 5. तो नंबर्स आर इन एपी. कौन से नंबर्स? ये जो नंबर्स दे रखे हैं वो तो कॉमन डिफरेंस 1 है. नंबर ऑफ टर्म्स वाला जो है दैट इज AP with a common difference 2. तो उसमें मैंने बोला कि 12th ग्रुप में कितने नंबर्स होंगे? तो 1, 3, 5. इस सीरीज का 12th नंबर A12 is A1 plus 11D and minus 1. तो वो ये लिखा है. ये तो आया number of terms in 12th bracket या 12th ग्रुप. अब मैंने बोला कि S1 plus S2 plus and so on till S12 कितना होगा? क्या? उससे पहले ये बताओ, छोड़ो ये छोड़ो. पहले number of terms कितने होंगे 12th bracket तक पूरे? Number of terms 144. वो कैसे आया? N by 2. 144 भी बताया ना कैसे आया था? सब ना ये 1, इसमें ब्रैकेट में एक नंबर है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, 1 प्लस 3 प्लस 5 टिल 23. दैट विल कम गिव्स यू 144. तो मुझे 144 नंबर्स का सम निकालना है. और वो जो नंबर्स है 144 नंबर्स, दे आर इन एपी विद अ कॉमन डिफरेंस 1. या तो डायरेक्टली किसी को याद है, मैंने लिखवाया भी है, वैसे आगे जाके लिखेंगे सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स n into n plus 1 by 2. याद है इस चीज को, पता ही है फॉर्मूला. चलो काफी, ठीक है ना? तो वो लगाएंगे किसके लिए? उससे क्या आएगा? फर्स्ट ब्रैकेट सेकंड ब्रैकेट सभी का सम आ जाएगा, लेकिन मुझे तो केवल 12 का चाहिए, तो 11 तक हटा देते हैं. तो उसके लिए मुझे क्या पता होना चाहिए? 11th वाले का लास्ट, नॉट फर्स्ट, लास्ट. तो 11th वाले का लास्ट कैसे आएगा? अभी ऐसे निकाल दो, मतलब 1, 3, 5, मुझे 11 रखो तो 10 भी आएगा. या फिर ऐसे कर लो, 144 पहले पता चल गया इसमें 23 है, तो हटा दो. व्हेन यू विल सबट्रैक्ट यू विल गेट 120. इसको सो क्लियर हुआ ये? ऑल्दो इट इज बिट कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू दैट, क्लियर हो? पक्का कि ऐसे ही देख के दूसरे को देख लो, अब सामने आ रहे देखो, ऐसे नहीं आया तो बोलो थैंक यू दोबारा, बोलो अच्छे से, बोलो एक एक पॉइंट खुद के लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी मराठी व्हाटएवर. नोट्स अच्छे बनाओ ना, पढ़ने में मजा आएगा, रिवीजन करने में.
मिलेगा अगर क्लीन लिखे होंगे नोट्स पहले बोल दूंगा, ठीक है ना। इसलिए सफाई से ज़्यादा उसमें मतलब डाटा होना चाहिए। इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और दूंगा, ठीक है। सेकंड मेथड एक बार और बता रहा हूँ, याद रखो तब क्लास तुम्हें आ गया, आ गया। किस अच्छे से आए पक्का, और किस अच्छे से पक्का 100% कैसे उनको, हाँ हाँ सेकंड मेथड थोड़ा तेज लाउडली बोलना पड़ा, ठीक है, उसको समझ में आना चाहिए। पहले ब्रैकेट
फिर मैंने बोला 11 ब्रैकेट तक टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, तो उसी सम उसी फॉर्मूले में एन की जगह हम क्या रखेंगे 11 रखेंगे। फिर मैं बोल रहा हूँ 13 ब्रैकेट का सम माइनस 11 ब्रैकेट का सम इज द 13th ब्रैकेट का सम। S11 किसका देखो, दो चीजें हैं, एक तो तुमको 1 3 5 7 9 बोल रहे हो और एक है 1 2 3 4 बोल रहे हो। S11 इसका, हाँ S11 इसका लिखेंगे तो वो आ जाएगा, that is the last term of 11 ग्रुप नंबर नंबर मतलब ये देखो 1 + 3 + 5 मतलब कितना हुआ 9, तो थर्ड ग्रुप का लास्ट का नंबर 9 है, वैसे 11 ग्रुप का आएगा यहाँ पे S11 आएगा 121 मतलब 12th ग्रुप की पहली टर्म 120 को आए 122 आई एक जगह, हाँ और नंबर ऑफ 23 बताए तो स्ट्रेटली का क्लियर हुआ। चलो एक और क्वेश्चन करो, अब देखना जल्दी कॉपी करना, देखते कौन सबसे पहले बोलता है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट यही कैटेगरी है। One plus and so on, both bracket 25 plus 29 plus 30 70 this series will continue, this is the first bracket, second, third and so on. You have to find the first number, like Lena, what is the first number, write down, what is the first number of 25th bracket, what is the first number of 25th bracket, सबसे पहले देखते हैं इसका first, what is the first term of the 25th bracket? आपकी बात जो भी बोलो सब समझ के
चेक और वेरीफाई करना, इसके बाद आंसर सही। बस मेक श्योर 100% कि हाँ जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। जैसे कि तुक्का लगाते हैं बच्चे लोग कि बोल देंगे फिर भूल देंगे, तुक्का लगे टीचर हम कर रहे हैं। इसलिए वेरीफाई योर सेल्फ जो मैं बोल रहा हूँ करेक्ट है या नहीं, माइंड में रीड करके हाँ मैंने ऐसे ऐसे किया, लॉजिकली रीड करके माइंड। हमको 25th ग्रुप का फर्स्ट टर्म निकालना है, तो पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे कि 25th ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म ये पूरे सीरीज का कितना बार टर्म, तो वो कैसे कैलकुलेट करना है? 25th ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म पहले वो निकाल रहा है कि वो इस पूरी सीरीज का कौन से नंबर का टर्म है। अगर मैं इस सीरीज को ब्रेक कर दूं मोर, ये ब्रैकेट हटा दूं, ये ब्रैकेट हटा दूं है, देन इट इज एन एपी विद अ कॉमन डिफरेंस 4, तो 25th ब्रैकेट का पहला टर्म इज व्हिच टर्म ऑफ द सीरीज। तो इस फर्स्ट ब्रैकेट में एक टर्म है, सेकंड में दो है, थर्ड में तीन है, तो ये एक एपी है। तो इसके जो फर्स्ट 24 ब्रैकेट्स का सम होगा वो 24th ब्रैकेट का लास्ट टर्म होगा। तो वो जो समय है वो नंबर होगा। हां वो सर 24 ब्रैकेट्स, तो फर्स्ट 24 टर्म्स का जो सम है वो है
24 by 2 times 2a, so 2 plus 23 times d, 1. So 24 by 2, 12 times 2 plus 23. Link to direct into 300. 24. So you get 300. 300 term is fullest is covered, 24 bracket ka last term. So the 25th bracket ka first term hoga, but 300 and first term hoga. So Tn, that is T of 301 is equal to A plus. So A, 1 plus 300 times D. ये बार मैं और एक्सप्लेन कर देता ब्रैकेट वन ब्रैकेट टू ब्रैकेट थ्री उसने बोला 25th ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर बताना है तो नंबर बताने से पहले हम ये तो देखिए कि वो कौन से नंबर का टर्म है इफ आई रिमूव दिस ब्रैकेट्स 1 5 9 30 ऑल दिस नंबर्स आर इन एपी एंड आई एम सेइंग कि वो जो 24 ये अभी इफ ये लेट्स से रिडंडेंट दिस इज 24th ब्रैकेट एंड दिस इज 25th ब्रैकेट तो 25th ब्रैकेट का जो इधर फर्स्ट नंबर है वो कितने नंबर कौन सा नंबर है इस पूरी सीरीज का तो फॉर दैट पहले ब्रैकेट में एक टर्म है दूसरे में दो तीसरे में तीन तो मैं बोला 24 ब्रैकेट तक कितने टर्म्स होंगे तो 1 plus 2 plus 3 n into n plus 1 by 2 that will give you 300 तो उससे एक ज्यादा तो ये कौन सा नंबर की टर्म आई 301 मतलब दिस इज 301 T. First term is A. Common difference is 4. A plus n minus 1 into D. अच्छा question है. Thank you.
किसका आया? दो स्टूडेंट्स का अर्थमेटिक मीन इसका मतलब तुम्हारा थ्योरी क्लियर नहीं, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और कुछ भी नहीं वाले क्वेश्चन में, ओनली थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक मीन। एटलीस्ट सिंगल कनेक्ट तो कर देंगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। 15 है ना, तो 20 तो है टोटल, कोशिश करना, ठीक है ना। एटलीस्ट मोर देन वन करेक्ट छोड़ते भले, इंटीजर पर ठीक है छोड़ो, सिंगल करेक्ट कर, और जिसको लगे वो इंटीजर टाइप कर लेना। कोई डाउट किसी को कुछ? Thank you.
कल का टॉपिक हम लोगों का कहां तक कंप्लीट हुआ है एक बार नोटबुक दिखाना पड़ेगा आपको। यस ओके अब आज लिखेंगे फोटो सिस्टम टू, दैट मीन्स तो फोटो सिस्टम वन में सारी बातें हो गई थी ना। पिच एब्जॉर्प्शन नहीं, पिक एब्जॉर्प्शन, PICK। आइए आइए, स्विच ऑन द फैन, स्विच ऑन द फैन। हेलो, आज हम लोग फोटो सिस्टम टू करने वाले हैं। फोटो सिस्टम टू यानी इसी को कहते हैं PS2, PS2 हो गया PS2 इको से पता चल जाता है। PS2 आज हम लोग PS2 करने वाले हैं। आया PS2 देखिए तो अब हो गया। PS2 नहीं हुआ। आज हम लोग PS2 करने वाले। हेलो PS2 PS2 PS2
फोटोसिंथेसिस. हेलो, टुडे आवर टॉपिक इज पीएच 2, फोटोसिस्टम 2, बिकॉज वी हैव कंप्लीटेड फोटोसिस्टम 1. तो चलो बेटा, हम लोगों ने कल पीएस 1 को कंप्लीट किया था और आज हम लोगों को पीएस 2 को कंप्लीट करना है. तो देखिए, पीएस 1 में जैसे कल हम लोगों ने देखा था कि पीएस 1 दोनों जगह होते हैं. फिर से क्या क्या तो पीएस 2 को हम लोग आज देखेंगे, क्योंकि कल हम लोगों ने पीएस 1 को कंप्लीट किया था. हाँ, पीएस 1 में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि पीएस 1 में हम लोगों ने क्या क्या देखा था. तो पीएस 1 में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको कल नोट डाउन कराया है उसको आप देखिए नोटबुक में. पहले चीजें ये बताई है मैंने कि पीएस 1 जो है वह ग्रेनल थैलाकॉइड के नॉन एप्रेस्ड पार्ट में होता है और एस्ट्रोमल थैलाकॉइड में होता है. पीएस 1 जो है उसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं, रिएक्शन सेंटर होता है और एंटीना होता है. पीएस 1 का रिएक्शन सेंटर जो है वह डाइमर ऑफ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होता है, यानी क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के, क्लोरोफिल ए के दो मॉलिक्यूल या एक स्पेशल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होता है जिसका एब्जॉर्प्शन पीक पॉइंट 700 नैनोमीटर पे होता है. इसीलिए इसको P700 से भी इंडिकेट करते हैं, यानी पीएस 1 फोटोसिस्टम 1 का मतलब P700 भी है, क्योंकि इसका रिएक्शन सेंटर का एब्जॉर्प्शन पीक, यानी सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन पीक जो है वह 700 नैनोमीटर पे दिखाता है. उसके बाद में इसमें तीसरा पॉइंट ये भी मेंशन कर दीजिए, या अगर किया हुआ होगा तो, कि यह जो है वह साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों फोटोफॉस्फोरिलेशन में पार्टिसिपेट करता है. कौन? ये पीएस 1 साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक दोनों में पार्टिसिपेट करता है. इट पार्टिसिपेट्स इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. तो पीएस 1 पार्टिसिपेट्स इन बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. पीएस 1 पार्टिसिपेट्स इन साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन. नेक्स्ट आइए देखिए फोटोसिस्टम 2 के बारे में. फोटोसिस्टम 2 ये जो है बेटा ये लोकेटेड होता है, लोकेटेड ऑन, तो कहां लोकेटेड है? लोकेटेड ऑन ग्रेना थैलाकॉइड. ये ग्रेना के थैलाकॉइड, लोकेटेड ऑन ग्रेना थैलाकॉइड ऑफ एप्रेस्ड पार्ट. तो ग्रेना थैलाकॉइड के एप्रेस्ड पार्ट में होता है. कौन? पीएस 2. पीएस 2 सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करता है. पार्टिसिपेट इन नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन. नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, तब लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ पीएस 2 इज नेंट ऑफ. तो पीएस 2 में क्या क्या होता है? तो उसी तरह से रिएक्शन सेंटर एंड देयर एब्जॉर्प्शन पीक इज 680 नैनोमीटर. सो इट ऑल्सो इंडिकेट एज P680.
नेक्स्ट पॉइंट यानी पीएफ टू में क्लोरोफिल ए एंड बी, क्लोरोफिल बी आर इक्वल क्लोरोफिल ए और बी के मॉलिक्यूल, यानी फोटोसिस्टम टू में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के मॉलिक्यूल का जो क्वांटिटी है वो इक्वल होता है, दोनों सेम होते हैं इक्वल, बट कैरोटेनॉइड आर लेस एज कंपेयर टू पीएस वन, पीएस वन के कंपेयर में इसमें कैरेटिनॉइड जो होते हैं वह कम होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें रिएक्शन सेंटर एंटीना ऑक्सीजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल लाइक प्लास्टो क्यूनॉन प्लास्टो साइनिन साइटोक्रोम, ये सारा चीज होता है पीएस टू में। तो पीएस टू का रिएक्शन सेंटर का एब्जॉर्प्शन पीक 680 नैनोमीटर, इसीलिए इसको इंडिकेट करते हैं 680 से। इसमें क्या क्या होता है, तो एक रिएक्शन सेंटर, एंटीना और ऑक्सीजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स जो ऑक्सीजन को रिलीज करवाएगा, जिसे ऑक्सीजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यहां तक की बातें हो गई सबको? देखिए यहाँ तक में हम लोगों ने पिगमेंट का क्या क्या रोल है, कौन से पिगमेंट का कहाँ होता है, क्या है पीएस वन पीएस टू, ये सारी बातें लिख लिए। अब फोटोसिंथेसिस का जो पूरा काम है, मतलब फोटोसिंथेसिस का मतलब ही है कि कार्बोहाइड्रेट या ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल और लाइट के प्रेजेंस में जो कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और ये फोटोसिंथेसिस का काम जो है वो टू स्टेज में पूरा होता है। कितने स्टेज में? टू स्टेज में। तो आप ये देखें कि वो टू स्टेज क्या है, तो यहाँ पर देखो ये फोटोसिंथेसिस
और अभी तक जो आप देख रहे थे वो ये बातें थी कि फोटोसिंथेसिस का क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कौन से रिक्वायरमेंट से क्या होता है। तो फोटोसिंथेसिस वो दो पार्ट में काम पूरा करता है अपना। एक पार्ट का नाम है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे हम लोग इन शॉर्ट हम लोग डार्क रिएक्शन भी बोलते हैं, जबकि ये बोलना गलत है। डार्क का कोई रिएक्शन नहीं होता है, बस इसका एक्चुअल बोलना चाहिए। इसको ये मिसलीड होकर के इसका नाम डार्क रिएक्शन पड़ गया, इसलिए ये कैरी हो रहा है। तो मिसलीडिंगली कॉल्ड इट डार्क रिएक्शन, बट एक्चुअल नेम इज लाइट इंडिपेंडेंट, यानी ये रिएक्शन लाइट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। और दूसरा है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, ठीक है। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन में हम लोग पढ़ेंगे C3 साइकिल, C4 साइकिल, CAM प्लांट एंड फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्या पढ़ेंगे, सॉरी फोटो फॉस्फोराइलेशन नहीं, फोटो रिस्पायरेशन, उसको फोटो रिस्पायरेशन बोलते हैं, फोटो रिस्पायरेशन। ये चार चीज हो गया, C3, C4, CAM और फोटो रिस्पायरेशन। अब लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, यानी ऐसा रिएक्शन, यानी वो प्रोसेस जो लाइट के प्रेजेंस में ही हो सकता है, दैट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। और इस रिएक्शन में हम लोग देखेंगे फोटो फॉस्फोराइलेशन, दूसरा फोटो लिसिस ऑफ वाटर एंड ATP फॉर्मेशन। ये सारा काम लाइट डिपेंडेंट में होता है, ये सारा काम लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन का पार्ट है। तो पहले हम लोगों को लाइट रिएक्शन देखना है, देन आफ्टर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन देखना है। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन प्रोडक्ट। हमने क्या बोला कि वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, जिसे डार्क रिएक्शन कहते हैं, तो डार्क रिएक्शन तभी होगा जब लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट बने। और लाइट रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है, तो लाइट रिएक्शन में बेटा दो चीजें बन के हमें मिलती है, एक मिलता है ATP और दूसरा बन के मिलता है NADPH। जब तक ये दोनों नहीं बनेगा तब तक लाइट रिएक्शन, ये डार्क रिएक्शन नहीं हो सकता है। तो लाइट रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन। पहले ये दोनों बना के इस तरह से एरो से दिखा दीजिए और तब लिखेंगे डार्क रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ऑल्सो डिपेंड ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, डिपेंड ऑन द लाइट रिएक्शन दैट इज ATP एंड NADPH, ATP एंड NADPH।
हो गया एटीपी एंड एनएडीपीएच। अब आइए अब हेडिंग देंगे, सबसे पहले हम लोगों को डार्क रिएक्शन ये लाइट रिएक्शन देखना है, तो हेडिंग दीजिए फॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। हेडिंग यहां पर फोटो फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये हेडिंग होगा आपका। अब तब लिखेंगे फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी बाय लाइट एनर्जी ड्राइविंग रिएक्शन। इसको डिस्कवर किए थे, डिस्कवर्ड बाय, इसको किसने डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय एर्नॉन। बस इतना दीजिए और तब लिखेंगे इसमें इट इज टू टाइप, ये दो तरह का होता है, कौन कौन, तो एक होता है पहले नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन और दूसरा है साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। हो गया साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब आइए हम लोगों को समझना है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, तो अब हेडिंग आपका होगा नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन किसी चीज को नॉन साइक्लिक कब कहते हैं, मान लो यह कोई एक पॉइंट है और आप यहां से चलो और यहीं पर आ जाओ तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक। लेकिन ये दूसरा पॉइंट है और आप यहां से चलो और दूसरे पॉइंट पे आ जाओ तो क्या हो जाएगा, नॉन साइक्लिक। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नाम इसलिए पड़ा है कि जो रिएक्शन सेंटर है, और रिएक्शन सेंटर कहां होता है फोटो सिस्टम में, ये भी बताना पड़ेगा। अभी हमने बार बार आपको बोला था कि सारी चीजें जब तक रिवीजन में नहीं होगी तो आपको कुछ भी नहीं होना है, और इस चैप्टर को इतना आसान भी ना समझिए। पहले तो आधे लोगों का मिसकंसेप्ट है कि बायो सबसे आसान है,
और उससे भी बड़ा मिसकंसेप्ट किया था, ये तो प्लांट का पार्ट है। आपके नीट के एग्जाम में 55 क्वेश्चन सिर्फ बॉटनी से होता है, 55 टू 60 के क्वेश्चन एंड ओनली 40 टू 45 मैक्सिमम जो है वो 40 क्वेश्चन नहीं तो 35 क्वेश्चन तक जूलॉजी का होता है, तो प्लांट का ही बड़ा सेक्शन है। अब आइए एक पॉइंट से चले, जहां से चले वहीं पर आके रुके, डेट इज द साइक्लिक। और नॉन साइक्लिक का मतलब जहां से चले कहीं दूसरे जाके यानी वापिस नहीं आए, दैट इज नॉन साइक्लिक। इलेक्ट्रॉन जब रिएक्शन सेंटर से रिलीज होता है और दोबारा उसी रिएक्शन सेंटर पे आ जाता है, दैट इज द साइक्लिक। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन निकला वो इलेक्ट्रॉन दोबारा सेम इलेक्ट्रॉन वापिस नहीं आता है रिएक्शन सेंटर पे, दैट इज द नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक में ही सारा चीज समझने वाली बातें हैं, सारा मैकेनिज्म नॉन साइक्लिक ही इंपॉर्टेंट है, साइक्लिक बहुत आसान सा छोटा सा चीज है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट समझने वाली जो चीजें हैं वो बातें हैं वो नॉन साइक्लिक में ही हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, कौन कौन, तो PS2 एंड PS1 दोनों तरह के फोटो सिस्टम मिल करके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन को पूरा करवाते हैं। एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिएक्शन ये परफॉर्म होता है ग्रेना के थैलाकॉइड में, कहां, ग्रेनल थैलाकॉइड में। स्ट्रोमल थैलाकॉइड में नॉन साइक्लिक नहीं होता है, स्ट्रोमल थैलाकॉइड में सिर्फ साइक्लिक होता है। तो पहले तो ये समझो कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या है, कैसे क्या काम होता है इसमें। देखिए इसमें बेटा जो रिएक्शन है इसमें PS1 और PS2 दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, और जो PS2 है यहाँ के PS2 है तो दो पार्ट, एक होगा रिएक्शन सेंटर और दूसरा होगा एंटीना। तो रिएक्शन सेंटर यहां से एक्साइटेड स्टेट में आने की वजह से या रिएक्शन सेंटर इलेक्ट्रॉन को निकाल करके इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल को देता है, और इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल दोनों फोटो सिस्टम में है। आप याद कीजिए, आपको मैंने लिखाया है कि कंपोनेंट ऑफ फोटो सिस्टम, यानी फोटो सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट है, यानी जो फोटो सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं PS1 और PS2, यानी कि देयर आर फोर टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑन थैलाकॉइड मेम्ब्रेन। थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पे चार कॉम्प्लेक्स है, PS1, PS2, साइटोक्रोम B6A और कपलिंग फैक्टर CF0F1 पार्टिकल, है ना। तो जो PS1 है और PS2 है वो उसमें भी तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो PS1 या PS2 में कौन कौन से कंपोनेंट है भाई, तो PS1 का कंपोनेंट आपको कल भी लिखाया है, यानी कि रिएक्शन सेंटर होगा, एंटीना होगा, इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल होंगे। उसी तरह PS2 का अभी मैंने लिखाया कंपोनेंट, रिएक्शन सेंटर, एंटीना, इलेक्ट्रॉन कैरियर कंपोनेंट एंड ऑक्सीजन एवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, देखिए लिखाया है अभी PS2 में। तो इलेक्ट्रॉन जो है वह रिलीज होता है PS2 के रिएक्शन सेंटर से, कहां से रिलीज होगा, PS2 के रिएक्शन सेंटर से, और वहां से रिलीज होने के बाद में इलेक्ट्रॉन जो है वह जाएगा इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल, जैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर मॉलिक्यूल जो है वह प्लास्टो क्यूनॉन से इलेक्ट्रॉन जो है वह पहुंचेगा साइटोक्रोम B6F और साइटोक्रोम B6F से इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा PS1। अब ये इलेक्ट्रॉन को PS1 को दे दिया और यहां से इलेक्ट्रॉन फिर पहुंचेगा कहां, तो यहां से इलेक्ट्रॉन बेटा पहुंचता है, अब इसका PS1 जो है वह एक्साइटेड स्टेट में आता है जिसे आप रिएक्शन सेंटर कहते हैं, और इसी को इंडिकेट कर देते हैं P700 से। यहां से इलेक्ट्रॉन अलग अलग पाथवे से A1 हो गया, यानी क्लोरोफिल ए का एक स्पेशल क्लोरोफिल होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये सभी इलेक्ट्रॉन को कैरी कर रहे हैं, सभी जगह से इलेक्ट्रॉन कैरी होगा कि आगे की ओर बढ़ते जा रहा है,
और फाइनल इलेक्ट्रॉन जो है वो पहुंचता है फेरिडॉक्सिन के पास और तब पहुंचता है FNR यानी फेरिडॉक्सिन रिडक्टेज एंजाइम के पास और यहां पे इलेक्ट्रॉन जब पहुंचता है तो दो इलेक्ट्रॉन और NADP+ दो इलेक्ट्रॉन को लेता है और दो हाइड्रोजन आयन को लेकर के और बन जाएगा NADPH में या इसी को लिख सकते हैं NADPH2 या इसी को इस तरह से भी इंडिकेट करते हैं NADPH+H आयन दोनों एक ही चीज है डायरेक्ट NADPH2 लिख दीजिए या एक्चुअल में ऐसे लिखना चाहिए NADPH+H+ फाइनल वो बनता है। अब जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकला था फोटोसिस्टम 1 से वो इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया, वो इलेक्ट्रॉन यहां पर यूज हो गया। तो इलेक्ट्रॉन जब वापस नहीं आया इसीलिए उसका क्या नाम पड़ गया, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब लिखेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। Both PS1 and PS2 complete the reaction on granyl thylakoid. Granyl thylakoid पे ये काम पूरा होता है। तब लिखेंगे रिएक्शन सेंटर ऑफ PH2 रिलीज इलेक्ट्रॉन रिएक्शन सेंटर ऑफ PH2 रिलीज इलेक्ट्रॉन रिलीज इलेक्ट्रॉन विच डज नॉट कम बैक सो दिस इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन इसीलिए इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉन अगर लगातार निकलते चला जाएगा तो उसको भी तो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी ना भाई, तो जो गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कैसे पूरा करेगा वह, तो लिखेंगे द गैप ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मेंटेन्ड बाई फोटोलिसिस ऑफ वाटर इलेक्ट्रॉन का गैप जो है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर से मेंटेन होता है।
ये हो गया। अब चलिए रिएक्शन दिखा रहा हूं मैं कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन पास आउट होते हैं। देखिए चलिए बनाते चलिए, सब समझाऊंगा, बस बनाते चलिए अभी साथ में।
चलिए पहले इतना दिखाइए, पूरी बातें तब समझाता हूं आपको। यहाँ पे एक जैसे दिखा सकते हैं आप।